तो दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले ही मैंने फ़ोन लिया था। ये मेरा पहले का मेरा फ़ोन है, ये मोटोरो ई पावर, ठीक है, जो मैंने पहले लिया था। काफ़ी अच्छा फ़ोन था। इसी को देखते हुए मैंने मोटो का G32 मैंने लिया, जो अभी लॉन्च हुआ है वो मैंने G32, देख सकते हैं आपने, G32 मैंने ये लिया था, ठीक है। लेकिन काफ़ी बड़ी धोखाधड़ी यहाँ पे हो रही है। G32 का बिल्कुल बेकार फ़ोन है भाई साहब, बिल्कुल ही मत लेना। काफ़ी चीज़ तो ठीक है, लेकिन डलमा फोर्ट की बात करूँ तो वो सब तो ठीक है, लेकिन कैमरे की बात करूँ, कैमरा बिल्कुल ख़राब है भाई साहब। इतना घटिया है कि पूछो मत। 50 मेगापिक्सल तो सर नाप का है, क्योंकि 16 मेगापिक्सल का कैमरा है बैक, और ये 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। लेकिन 16 मेगापिक्सल काफ़ी बेस्ट है, और ये 50 मेगापिक्सल बिल्कुल भी काम का नहीं है, बिल्कुल बेकार है, काफ़ी हद तक बेकार है ये। और सर्विस सेंटर वाले को मैंने, सर्विस सेंटर को दिखाऊंगा, मैंने कंपनी से बात करी थी, फ्लिपकार्ट से मैंने इसको मंगाया था, और मैंने बात करी थी फ्लिपकार्ट को, रिपोर्ट भी करी थी, तो वो आए वेरिफिकेशन करके देखने गए। यहाँ टेक्नीशियन आए थे, लोग कह रहे कि भाई इतना ठीक है, कैमरा चलता है, इतना ही रहता है। लेकिन देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये मैंने कैमरे पे क्लिक कर दिया, और इसको भी मैं वीडियो पे क्लिक कर दिया, दोनों को वीडियो वीडियो मोड पर मैं ले आया हूँ। आप देख सकते हैं इस दोनों में फ़र्क कितना है। जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो आपके सामने ये मोटो का है, और ये भी मोटो का है, ये G32 है ये वाला, और ये मोटो ई पावर है। देखिए कैमरा क्लियरिटी देखिए, आप जूम कर दो थोड़ा सा भाई, 2x जूम, जूम 2x, ज़्यादा नहीं, बस बस। देखो दोनों की क्लियरिटी देखो, आपको साफ साफ देखने को मिल रही होगी। एक में देखो इसमें कितना है, उसमें तो जो दरवाज़ा है कितना मच्छर की तरह भिनक रहा है इसके अंदर। मोटो G32 के अंदर थोड़ा कलर ज़्यादा है, और मोटो पावर के अंदर कलर कम है, लेकिन ये क्या है, मच्छर मच्छर से तो होता है धुंधला धुंधला, वो हल्का हल्का इसके अंदर दिख रहा है, और मोटो ई पावर के अंदर क्लियर है, जो भी चीज़ है वो क्लियर है, और इसके अंदर कलर डार्क है, लेकिन मच्छर मच्छर से आप गौर से देखोगे तो मच्छर मच्छर देखने से मिलेगा वीडियो के अंदर। देखिए देखो कैमरे में इतना कैप्चर हो रहा है, तो आप सोच लो कि रियल में कितना होगा। रियल में काफ़ी ज़्यादा है, और इसको दिन में तो बिल्कुल पता नहीं चलता, लेकिन रात के टाइम अगर मैं इस तरह से देखता हूँ तो काफ़ी पता चलता है कि हाँ ये कैमरा किस तरह का है। देख सकते हैं आप, देखिए इधर दिख रहा है आपको, इस तरह से दिखता है यहाँ पे कैमरा है। काफ़ी इसके अंदर मच्छर मच्छर से आ रहे होते हैं, जो काफ़ी बेकार लगता है, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर एक चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे कि ये रिमोट रखा हुआ है, आप दोनों का शेक देखिएगा, शेक किस तरह से होता है। मैं ये देखो इसमें फ्रेम रेट जो चलेगा, रुक रुक के चलेगा, इसमें स्मूथली चलता है। देखिए 60 FPS नहीं है, 30 FPS है, लेकिन ये 30 FPS से भी बेकार चल रहा है, इसमें देखिए 30 FPS सही चल रहा है अपने हिसाब से, ठीक है। तो कैमरा काफ़ी ख़राब है, और मुझे ये वापसी करना है, तो फ्रेंड्स फ्लिपकार्ट वाले लेके नहीं जा रहे, वो कह रहे कि कैमरा ठीक है, उनको चेक करने नहीं आ रहा, मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। सो वीडियो को इतना शेयर करना कि मेरे फ़ोन वापसी हो सके, मैं बहुत पछता आ रहा हूँ, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, चलो मैं, हेलो फ्रेंड्स, मैं क्या ही बताऊँ फ्रेंड्स, मैं काफ़ी परेशान हूँ इस फ़ोन को लेकर के। मोटो ई पावर तो काफ़ी बढ़िया निकला, उसी को देखते हुए मैंने लिया, और प्लस मैंने रिव्यू दिखा टेक्निकल गुरु जी के, भाई बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, सबके रिव्यू देखे, उन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छा बढ़िया है, बहुत अच्छी चीज़ लेवल पर दे रहा है इन्होंने, जो भी है चाहे, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताया थी कि सब ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैमरा क्वालिटी की बात करूँ तो कैमरा भी सभी ने ठीक बताया था, कि बहुत बेकार कैमरा भाई साहब। मैं इतना पछता रहा हूँ, इतना पछता रहा हूँ, मैं क्या बताऊँ आपको, मैं बहुत पछता रहा हूँ, मैं बहुत पछता रहा हूँ। प्लीज़ प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि मोटो कंपनी तक इस बात की खबर पहुँचे, और मेरा फ़ोन वापसी हो जाए। बस मैं यही चाहता हूँ मेरा फ़ोन वापसी हो जाए, क्योंकि बड़ी मेहनत से पैसे कमाए भाई साहब, बहुत मेहनत से, एक लेबर मजदूरों में भाई साहब। प्लीज़ आप सभी से हेल्प मांग रहा हूँ, प्लीज़।